Dear students, welcome to the classes of our academy. We are studying death of a partner. और जो concept पढ़ रहे हैं that is treatment of a goodwill, treatment of a deceased partner share of a goodwill. जो partner का death हो गया उसका goodwill का और profit share का क्या treatment होगा? Question पढ़ो, X, Y, Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ओल्ड रेशियो 3:2:1. आपको गेनिंग शेयर में गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, ओल्ड रेशियो दे रखा है और बोल रहा है द फार्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, वाई डाइड ऑन 30 जून, यानी अप्रैल में जून 3 महीने काम करके मर गया. ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 60,000 एंड वाइज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फार्म टिल हिज डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट व्हिच इज 1,50,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज पर गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. तो वाई का डेथ हो गया तो ये रेशियो मिट जाएगा, यानी न्यू रेशियो एक्स जेड का होगा ये वाला, ये मिट गया तो ये आ जाएगा 3:1. गेनिंग रेशियो निकालो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एक्स का गेन 6/24, जेड का गेन 2/24, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो फिर आ जाएगा गेनिंग शेयर. तो आ गया एक्स जेड को रेशियो 3:1. अभी गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है 60,000, गुडविल ऑफ द फार्म सेकंड लाइन में एंड वाइज शेयर, तो गुडविल ऑफ द फार्म 60,000 है, इसमें जिसका डेथ हो गया वाई उसका शेयर है 20,000, यानी 2/6 दिस वन. तो y को 20,000 मिलेगा, xz 3:1 में देंगे, थेंस x कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर गुडविल 20,000 का 3/4 एंड z का भी 1/4. तो x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू y कैपिटल अकाउंट. ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट. प्रॉफिट का सेकंड होता है नोट टू, दिस इज नोट वन. नोट टू, y शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट. क्वेश्चन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, सेकंड लास्ट लाइन. प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 1,50,000, वाई जुलाई जून 30 को वाई का डेथ हो गया, तो अप्रैल में जून 3 महीने काम किया, 3/12 3 महीने का, ये पूरे साल का 3 पार्टनर का प्रॉफिट है, ये पूरे साल का, ये 3 महीने का 3 पार्टनर का प्रॉफिट है यहाँ तक. इसमें वाई का शेयर 2/6 मल्टीप्लाई करोगे तो 12,500 आएगा. दीज आर ऑल अबाउट योर वर्किंग. ये वर्किंग के बाद यू विल बी गोइंग टू फेयर नोट. सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ जून 30 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट है तो एस एंट्री होगा, लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, वाइस कैपिटल टू P&L सस्पेंस. Being profit calculated and transferred to Y's capital account on the date of his death. Then next one होता है goodwill के लिए, gaining to sacrificing X Z to Y. X capital account debited 15,000, Z's capital account debited 5,000 to Y's capital account 20,000. Being adjusting journal entry passed for treatment of goodwill in gaining ratio. हमेशा गेनिंग रेशियो में होता है और जर्नल को टोटल कर दो एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर.